स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को मेरे तरफ से नमस्कार। आप सभी को हमारे प्रेरणा टीवी चैनल के तरफ से भी दीदी नमस्कार। अगर दीदी अभी तक आपने हमारे प्रेरणा टीवी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आप सभी को डे एनआरएलएम से जुड़ी उसके साथ साथ केंद्र सरकार के द्वारा जो भी योजना चलाई जाएगी सबसे पहले दीदी आप सभी को अवगत कर दिया जाएगा। तो प्लीज़ हमारे प्रेरणा टीवी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर दीदी आप पहले से ही डी एन आर एल एम में जुड़ी हैं तो आपसे निवेदन है कि पंच सूत्र का पालन करना बिल्कुल ना भूलें। साप्ताहिक बैठक, साप्ताहिक बचत, आंतरिक उधार, समय ऋण वापसी, लेखा जोखा, इन पंच सूत्रों का करें पालन और अपने समूह को रखे सक्रिय, क्योंकि सक्रिय समूह को ही योजनाओं का लाभ दिया जाता है और वरीयता भी मिलती है। तो चलिए दीदी ज़्यादा ना बात करते हुए मेन टॉपिक की तरफ आते हैं। जैसा कि आपने हमारे थंबनेल में देखा है, आज दीदी हम बात करेंगे यूपी में जल सखी के बारे में। जी हाँ, उत्तर प्रदेश में हर जल योजना के अंतर्गत जल सखी की नियुक्ति की जाएगी। हर घर जल योजना में सभी ग्राम वासियों के लिए उनके घर नल लगाने की योजना है। सरकार की नल लग जाने के बाद कर की वसूली और जिनको नया कनेक्शन चाहिए यह काम कौन करेगा? जल सखी दीदी करेंगी। इसके साथ ही दीदी आपको बता दे मानदेय कितना मिलेगा। जी हाँ, पहले चरण में 20,000 से अधिक जल सखी की भर्तियां की जाएंगी। जल सखी को लगभग 6,000 रुपए महीना मानदेय देने पर विचार किया जा रहा है। अब दीदी आइए जानते हैं पदों का नाम क्या है जल सखी, जैसा कि आपको हमने वीडियो में बताया भी है। विभाग कौन सा है? उत्तर प्रदेश के विकास और पंचायत विभाग। रिक्तियों की कुल संख्या सामान्य पद एससी, बीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी और राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत महिला स्वयं सहायता समूह के महिलाओं को इनमें प्राथमिकता दी जाएगी। शैक्षिक योग्यता उम्मीदवारों के पास न्यूनतम दीदी 10वीं पास होना चाहिए। आयु सीमा 40 वर्ष से कम के हों। उम्मीदवारों के लिए 57 वर्ष से कम के अनुभवी के लिए भी है। आवेदन शुल्क सामान्य महिला ओबीसी एससी एसटी आवेदन कैसे करें? उम्मीदवारों को निर्धारित आवेदन में आवेदन करना चाहिए। प्रदेश में हर घर नल योजना के तहत पानी के बिलों के वितरण और वसूली के लिए जल सखी तैनात की जाएंगी। पहले चरण में दीदी 20,000 से अधिक जल सखियों की नियुक्ति की तैयारी है। राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत गठित महिला स्वयं सहायता समूहों से जल सखियों का चयन किया जाएगा। सरकार का 2024 तक हर घर को नल से जल उपलब्ध कराने का लक्ष्य है। इसके लिए हर परिवार को कनेक्शन लेना होगा। कनेक्शन का बिल और इसकी वसूली के लिए हर ग्राम पंचायत में एक जल सखी तैनात की जाएंगी। जल सखी को करीब 6,000 रुपये मासिक मानदेय देने का विचार है। ग्राम विकास विभाग और मिशन के स्तर पर जल सखी तैनात करने की योजना बनाई जा रही है। अगर दीदी आप इस योजना का लाभ लेना चाहती हैं तो सबसे पहले अपने ब्लॉक पर संपर्क कर लीजिए। इसके साथ ही आपको यह भी ध्यान रखना होगा कि आपका समूह कितना पुराना है और आप लोग समूह किस प्रकार चला रही हैं। अगर इस योजना का लाभ लेना है तो समूह को, जी हाँ, समूह के पंच सूत्रों का पालन करना होगा। जी हाँ, और रजिस्ट्रों का लेखा जोखा भी सही रखना होगा, क्योंकि पता लगा आपने आवेदन कर दिया, आपके रजिस्ट्रों का लेखा जोखा देखा गया तो वो ठीक नहीं है, तो हो सकता है आपको यह नौकरी ना मिले या रोज़गार आपको ना मिले। तो सबसे पहले मीटिंग करना स्टार्ट कर दीजिए, पंच सूत्रों का पालन करते रहिए और अपने रजिस्ट्रों का लेखा जोखा करते रहिए, तभी आपको रोज़गार मिलेगा। अगर आप 10वीं पास हैं, आप अपने रजिस्ट्रों का लेखा जोखा करती हैं, पंच सूत्र का पालन करने वाली दीदी हैं, तो दीदी आप इस रोज़गार को ले सकती हैं। आप लोग जल्द से जल्द अपने ब्लॉक पर संपर्क करके आवेदन कर दीजिए, क्योंकि दीदी जिले में
बारी बारी से आवेदन होते हैं। जैसे कि सबसे पहले आप पता कर लीजिए आप किस जिले में रहती हैं, आपके यहाँ जल सखी नियुक्ति जो है भर्तियाँ स्टार्ट हो गई हैं या नहीं। होने को तो उत्तर प्रदेश में सभी स्थानों पर हो चुकी है, लेकिन हो सकता है आपके ब्लॉक में अभी ना आया हो। आप सबसे पहले पता कर लीजिए, अगर आपके ब्लॉक में नहीं आया है तो आएगा तो ज़रूर, तो सबसे पहले आप संपर्क कर लीजिए कि अगर आएगा तो हमें सर जी बता दीजिएगा, क्योंकि उसका भी एग्ज़ाम होगा। आप जब एग्ज़ाम में पास होंगी तभी आपको यह नियुक्ति दी जाएगी। जो दीदी घर से बाहर निकल सकें ऐसी दीदी ही इस योजना का लाभ ले सकती हैं, क्योंकि रोज़गार कोई भी हो अगर आप करने जाएंगी दीदी तो आपको बाहर ज़रूर जाना होगा। अपने परिवार वालों से सबसे पहले आप संपर्क कर लीजिए कि हमको बाहर आने जाने की सुविधा होगी या नहीं। पता लगा आपने फार्म भर दिया, रोज़गार कर लिया और आपके परिवार वाले बाहर जाने ही ना दें, करने ही ना दें, तो ये बहुत सी समस्याएं आ रही हैं। क्योंकि बहुत सी दीदी समूह में तो जुड़ जाती हैं, लेकिन जब रोज़गार करने की बात आती है आवेदन भी कर देती हैं, वहाँ उनका नाम भी सिलेक्शन हो जाता है, तो परिवार वाले उन्हें जाने ही नहीं देते हैं। तो इससे क्या होता है, BMM को भी परेशानी होती है, IPRP को भी परेशानी होती है, क्योंकि भाई वहाँ नाम मांगते हैं, नाम आपने प्रोवाइड करा दिया, आपका हो भी गया और दूसरी दीदी का हुआ भी नहीं, और बाद में पता लगा आपने भी छोड़ दिया तो जो दूसरी दीदी को मिलना था उनके भी हाथ से चला गया और आपके भी हाथ से चला गया। परेशानियाँ ऐसे बढ़ जाती हैं। तो सबसे पहले अपने घर में भी इस बात को रख लें कि अगर हम काम करेंगे हमको बाहर जाने देंगे या नहीं देंगे, ये समस्या अपने यहाँ पहले ख़त्म करके तभी ही आवेदन करें। और आपसे निवेदन करना चाहूँगी कि आप लोग रोज़गार ज़रूर करिए, परिवार वालों को समझाइए और सहमति लेकर, क्योंकि 6,000 की नौकरी भी कम नहीं होती है। इस महंगाई में जहाँ कुछ नहीं वहाँ 6,000 मानदेय बहुत कुछ होता है। तो आप लोग बाहर निकलिए, रोज़गार करिए और आगे बढ़िए, इनकम का स्रोत अपने घर में बढ़ाइए। इसके साथ ही अपने समूह का देखभाल करिए, क्योंकि आपको जो भी रोज़गार मिलेगा आपको समूह द्वारा ही दिया जाएगा, तो उस समूह को बिल्कुल ना छोड़ें। क्योंकि जिस एक तरफ समूह बहुत तेज़ी से बन रहे हैं, तो बहुत ऐसे जगह हैं जहां समूह बंद भी होने लगे हैं, क्योंकि उनका देखभाल सही ढंग से नहीं होता है, लेन देन नहीं होता है, बैठकें नहीं होती हैं। तो प्लीज़ जो दीदियाँ बैठकें नहीं कर रही हैं, एक बार बैठक करिए, बचत करिए, लेन देन करिए और लेखा जोखा करिए। कम से कम यही सोच के बैठिए कि आज हम लोग मीटिंग करने के बहाने ही हर घर की महिला एक स्थान पर बैठें और बातचीत करें, तो मीटिंग भी हो जाएगी, चर्चाएं भी हो जाएंगी और लेन देन भी हो जाएगा। तो चलिए दीदी, आज की वीडियो में बस इतना ही। आप सभी दीदियों से जाते जाते एक बार फिर कहना चाहूँगी कि अगर अभी तक आपने हमारे प्रेरणा TV चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दीजिए। तो चलिए आज की वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद। जय आजीविका।